हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शरद बानो और आज मैं आपके लाई हूँ एक चिली चिकन की इंटरेस्टिंग रेसिपी। तो मैं इस चलती हूँ अपने किचन में बनाने, तो आप भी मेरे साथ चलिए। मैं चिकन चिली बनाने के लिए ये चिकन लिया है, ये 300 ग्राम चिकन है और मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। ये बोन वाले हैं, लेकिन आप चाहे तो बोनलेस भी ले सकते हैं, बट मुझे क्योंकि बोन्स वाले थोड़े पसंद है तो मैं बोन्स वाले ले रही हूँ। उसके बाद ये करीब 300 ग्राम है। फिर हम इसमें मिलाएंगे, ये एक छोटा बाउल कॉर्नफ्लावर का है, 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ली है मैंने, और विनेगर अगर घर में नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इसकी जगह पे 2 टेबलस्पून जो है वो नींबू का रस भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये 2 टेबलस्पून नींबू का रस ले लिया है। फिर ये 1 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर ली है, अपने नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले लीजिए। उसके बाद इसमें 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है ब्लैक पेपर पाउडर एंड थोड़ा सा 1 or 2 pinch जैसा मैंने फूड कलर लिया है। तो चलिए अब हमें इसे मैरिनेट करना शुरू करते हैं। तो मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी ये जो कॉर्नफ्लावर है, ये मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करती हूँ। हमें जरा जरा करके मिक्स करना है, एक साथ सारा नहीं मिक्स करना है। आप चाहे तो इसे हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, हाथ से थोड़े और अच्छे से हो जाता है। बट इसमें हम और थोड़ा सा यूज करते हैं, ये इसमें हमें थोड़ा थोड़ा ही करके यूज करना है ताकि अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। में हम ये जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया था अब उसे मिक्स कर दे रहे हैं। इसके बाद ये जो लेमन जूस है इसको भी डाल देती हूँ मैं। ये जो हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे इसमें डाल के, नमक तो आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लाल मिर्ची भी अगर बच्चे हैं तो आप थोड़ा सा कम ही यूज करिए। तो मेरी 2 बेटियां हैं छोटी छोटी, तो वो थोड़ा तीखा नहीं खाती तो मैं कम ही यूज कर रही हूं मैं। और ये फूड कलर अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है इसका, फूड कलर से बहुत अच्छा कलर आ जाता है। फिर इसे जब हम फ्राई करते हैं तो बिल्कुल वो रेड रेड सा दिखता है, जो बहुत खूबसूरत दिखता है। कॉर्नफ्लावर जो डालते हैं उससे क्या है ना कि वो बाइंडिंग अच्छी आती है, खैर से बाइंडिंग जरूरत तो नहीं है बट उस पर जो एक लेयर आती है वो कोट जो, वो बहुत अच्छा लगता है खाने में वो। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो फिर आप उसके बदले में डाल सकते हैं चावल का आटा बना लीजिए, घर पर या मार्केट में मिल जाता है, बट अभी लॉकडाउन है तो घर पे तो चावल रहता ही है। आप उसे ही सूखा बारीक पीस कर अच्छे से उसका आटा बना लीजिए, फाइन आटा, और वो डाल लीजिए। और उसके साथ थोड़ा सा उसमें 2 से 3 टेबल स्पून आप मैदा मिक्स कर सकते हैं, बट क्योंकि मेरे पास कॉर्नफ्लावर था तो मैंने यही यूज किया। तो ये देखिए आपका ये मिक्सिंग ये कंप्लीट हो चुका है। ये थोड़ा सा मैं इसमें फूड कलर और डालूंगी, थोड़ा सा कलर ना बहुत अच्छा लगता है देखने में। मैं अच्छे से इसे मिक्स कर दे रही ताकि इसके अंदर अच्छे से चला जाए, ये सारे जो इसमें मसाले थे इसके वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब मैं इसे 1/2 आवर रेफ्रिजरेटर में सेट होने के लिए छोड़ देती हूँ। फिर 1/2 आवर के बाद मैं इसे निकालूंगी और फिर इसे फ्राई करूंगी।
अब मैं जो चिली चिकन रखी हूँ फ्रिज में उसको मैरिनेट होने के लिए, अब मैं उसका सॉस रेडी करूंगी। तो उसके लिए मैंने ये एक बाउल लिया है, बाउल में हाफ पानी भरा है और उसमें मैं डालूंगी अब ये सोया सॉस डालूंगी, ये करीब 2 टेबल स्पून है, ये देखिए ये। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी ग्रीन चिली सॉस, ये करीब 1 टेबल स्पून के करीब है, आप चाहे ज्यादा डाल सकते हैं, थोड़ा तीखा हो जाएगा, हमारे घर पे बच्चे हैं तो मैंने थोड़ा सा कम ही यूज करा है। और ये मैं ले रही हूँ टोमेटो सॉस, टोमेटो सॉस मैं इस अभी 2 चम्मच ले रही हूँ, 2 से 3 चम्मच। अब मैं इसे ऐसे मिक्स कर देती, देखिए ये कलर कितना खूबसूरत आ गया। अब इसमें क्या है, वेनेगर डालते हैं, वेनेगर नहीं है तो मैं ये लेमन का जूस डाल रही हूँ, ये करीब 1/2 टेबल स्पून होगा, बस ज्यादा नहीं डालना, जरा डालना है। अब मैं इसमें मिलाऊंगी कॉर्न फ्लावर इसमें 1 to 2 टेबल स्पून डालती हूँ मैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छे से इसका एक सॉस की तरह तैयार हो जाइए, इसमें बिल्कुल लम्स नहीं आने चाहिए, वो आप ध्यान रखिए। और पानी जो है वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ना ठंडा ना गर्म, बस रूम टेम्परेचर वाला पानी। अब ये हमारा सॉस बिल्कुल रेडी है। मैंने जो चिकन को मैरिनेट करके फ्रीजर में रखा था, अब वो आधे घंटा हो गया है उसके लिए मैरिनेशन को इसका, तो अब मैं इसे फ्रीजर से बाहर निकाल के ला के रख दी। अब इसे मैं फ्राई करूंगी, तो मैं फ्राई करने के लिए एक पैन में ऑयल गर्म करने के लिए पहले से ही रख दिया था, अब ये ऑयल ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें 1 by 1 pieces इसमें डालूंगी। ये से हम 1 by 1 करके डालेंगे ताकि ये अलग अलग रहे, और इसे अभी हमें स्टिर नहीं करना है, बिल्कुल इसे वैसे ही छोड़ देंगे जैसे हम डालेंगे इसे, ताकि ये एक साइड से बिल्कुल अच्छे से पक जाए। ये देखिए मैं डाल दी हूँ ये, अभी ये थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाए एक साइड से, उसके बाद हम इसे पलटेंगे। इसके बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाना है, ज्यादा हाई फ्लेम नहीं करना है वरना ये अंदर से कच्चा रह जाएगा, तो लो फ्लेम पे थोड़ा टाइम लगेगा। ये एक साइड से भी ये हो गया है, ये थोड़ा सा और होगा अभी। अब ये एक तरफ से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया, ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। अब मैं इसे दूसरी तरफ टर्न कर दे रही हूँ, देखिए सारे कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं। आप इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे ही फ्राई करिएगा ताकि ये अंदर से जो है ये जूसी हो और बाहर से क्रिस्पी लगे खाने में। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे करिएगा तो फिर ये ऊपर ऊपर से हो जाएगा, अंदर कच्चा रह जाएगा, तो प्लीज इसे बनाने में जल्दबाजी ना करें आप। अभी मैंने सारा टर्न कर दिया है दूसरी ओर, तो अब आप इसे भी आराम से फ्राई होने देती हूँ मैं। देखिए अब ये दूसरी तरफ से भी अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, तो अब ये बिल्कुल रेडी है हटाने के लिए, तो मैं अब इसे दूसरे बर्तन में यहाँ से रिमूव कर देती हूँ।
ये कितना खूबसूरत सा कलर आया है इसमें। बिल्कुल ऊपर से क्रिस्पी है, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आया है, कलर भी इसका बहुत सुंदर आया है। ये देखिए इसमें बिल्कुल तेल भी नहीं है, और देखिए तेल बिल्कुल ऑयल साफ है इसका, बिल्कुल इसमें कुछ भी इसने अपना मसाला नहीं छोड़ा है। तो बाकी के भी आप इसी तरह फ्राई कर लीजिए, ये बाकी के चिकन है बचे हुए, ये आप उसी तरह फ्राई कर लीजिए। तो अब मैं चिली चिकन का जो ग्रेवी है वो मैं रेडी करूंगी। तो उसके लिए मैंने लिया है ये अदरक बारीक कटी हुई आधा चम्मच के करीब मैंने लिया है, ये आधा चम्मच के करीब मैंने लहसुन कटा हुआ लिया है, ये प्याज लिया है जिसको मैंने ऐसे टुकड़ों में काटा है, उससे सारे उसके परत अलग अलग मैंने कर दी है। ये शिमला मिर्च है जिसको मैंने काट लिया है छह टुकड़ों में। ये दो ग्रीन चिली मैंने ली है उसको मैंने कट कर लिया है, मैंने ज्यादा चिली नहीं डाला है, बच्चे हैं। थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर मैंने लिया है, काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लिया है, और थोड़ा सा उसमें बैलेंस बनाने के लिए चीनी लिया है, और ये गार्निशिंग के लिए मैंने ये हरा धनिया लिया है। तो अब मैं इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी ये जो अदरक और लहसुन कटी हुई है वो डालूंगी, ये एक मिनट तक इसको फ्राई करना है। ये हो गया है, अब मैं इसमें कटे हुए प्याज डालूंगी। जैसे प्याज मैंने डाल लिया है, प्याज को ज्यादा सौते नहीं करना है, इसको बस हल्का नरम होने तक करना है, क्योंकि ग्रेवी के साथ तो ये गल ही जाना है ऐसे, इसलिए इसे ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा सौते करना है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये कटे हुई मिर्च जिसे मैंने लंबा लंबा करके काटा है, बारीक नहीं काटा है इसे। अब मैं इसे एक मिनट तक सौते कर लेती हूँ प्याज को। अब इसमें मैं ये शिमला मिर्च जो हमने काट के रखा है वो डाल लेती हूँ। ये ज्यादा देर नहीं, बस दो एक से दो मिनट तक सॉटे करना है इसे, क्योंकि ये थोड़ा सा खड़ा खड़ा रहेगा ज्यादा अच्छा लगता है, वरना ज्यादा ये गल जाएगा फिर ये दिखेगा ही नहीं। तो इसे हमें हल्का सा ही सॉटे करना है। प्याज और शिमला मिर्च जो है वो सॉटे हो रहा है, आप गाजर भी डाल सकते हैं, बट क्योंकि घर पे अभी गाजर नहीं था और लॉकडाउन के टाइम में पॉसिबल है नहीं कुछ भी तुरंत लेकर आ जाना कहीं से, तो जो भी था फ्रिज में मैंने उसी से काम चला लिया अभी। ये देखिए ये कितना खूबसूरत कलर लग रहा है, ग्रीन एंड व्हाइट, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मेरा तो बस मन कर रहा मैं भी खा लूँ इसे, बट आई हैव टू वेट ना। तो ओके चलिए अभी ये हमारा जो प्याज और शिमला मिर्च था वो सॉटे हो चुका है, तो अब हम इसमें ग्रेवी डालेंगे, ये जो हमने अपना सॉस बना के रखा था, तो अब ये हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये मैंने डाल दिया है, अब इसमें जो है ये मैंने काली मिर्च पाउडर रखी थी इसमें मैं वो मिक्स कर दूंगी, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है इससे। फिर इसमें 1 to 2 टेस्ट नमक डालूंगी, मैं कम ही डालूंगी अभी, थोड़ा सा चीनी डाल दूंगी ताकि थोड़ा टेस्ट जो है वो बैलेंस हो जाए, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मिर्च, थोड़ी सी चीनी, सारा टेस्ट आ जाए एक साथ, और उसके बाद ये बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए हमारा जो चिकन था वो बहुत अच्छे से चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है।
ये देखिए हमारा ग्रेवी जो है ये तुरंत रेडी हो जाता है, टाइम नहीं लगता है। थोड़ा सा इसमें बस उबाल आएगा, फिर मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। ये देखिए हमारा ग्रेवी गाढ़ा होने लगा है। ये देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत आया है, ये कितना खूबसूरत लग रहा देखने में। और इसका ये इसकी थिकनेस देखिए, ये देखिए बिल्कुल बराबर परफेक्ट बिल्कुल बना है ये। मुझे तो चिकन चिली बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, वो तो खाने के बहुत शौकीन है। उन्होंने तो लॉकडाउन में क्या क्या इंतजाम करके कहाँ कहाँ से लेकर आए। लॉकडाउन के टाइम में भी उनको सारे वैरायटीज मिल जाते मार्केट में, वो जाते तो कहीं ना कहीं से ढूंढ के लेकर ही आते। और मेरे बच्चे, मेरी बड़ी बेटी जारा, वो तो बहुत दीवानी है चाइनीज फूड की, बट उतना दे नहीं सकते बच्चों को, तो चलो कभी कभी कुछ कर लेते हैं। और चिकन है तो चिकन तो हेल्दी फूड है ही बच्चों के लिए। और मेरी छोटी है मायरा, वो चलो ये ग्रेवी तो नहीं लेगी बट वो चिकन तो खा ही लेगी, फ्राइड चिकन है वो। अब देखिए इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है, ये बिल्कुल पक चुका है ये। अब मैं इसमें जो हमने ये चिकन फ्राई किया था, अब ये मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। हमारा चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हुए, इसके कलर देखिए, इट्स लुकिंग सो यम्मी, ओह माय गॉड। मुझे अब इंतजार मुझे ही नहीं हो रहा। ये देखिए अब इसे मैं मिक्स कर दूंगी। अभी ये ऑलमोस्ट तैयार है, बट मैं इसे 2 मिनट के लिए और ढककर छोड़ूंगी, थोड़ा सा इसके अंदर जूसी फ्लेवर आ जाए सारा इसका सॉस का, तो मैं इसे अभी ढक देती हूँ। अब ये बिल्कुल रेडी है, तो अब मैं इसे इसका गैस फ्लेम जो है वो ऑफ कर देती हूँ। अब मैं इसे एक दूसरे बाउल में ट्रांसफर करूँगी। मैंने एक बोट शेप बाउल लिया है, मैं इसमें सारा ट्रांसफर कर दे रही हूँ ये। और देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसमें। अब इसमें मैं गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया डाल देती हूँ, ये थोड़े से कटे हुए शिमला मिर्च है, और ये थोड़े से कैबेज, और ये अब रेडी टू सर्व है।